चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में प्री बोर्ड में या जिसे आप बोलते हैं सेंट अप एग्जामिनेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए सबसे पहली बात, वो सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, जैसे फेब्रवरी में आपका बोर्ड का एग्जाम है बिहार बोर्ड का, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको इसी से मिलता जुलता, इनसे काफी मिलता जुलता, काफी सिमिलरिटी रहेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जो एग्जैक्ट सेम हो। तो इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन को समझना अच्छे से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आता भी होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में फंस गए हो, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को लेके साथ में बैठना है, सबके पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में इतना स्पेस तो होता है ताकि आप उसमें रफ कर सकें। तो मैं बताऊंगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को रटना जरूरी नहीं है ना, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, हर क्वेश्चन को रटने मत बैठे, है ना, उसमें एक डाटा चेंज कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। समझे? हाँ, कुछ कुछ वैल्यू, कुछ कुछ डाटा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग याद रखते हैं, उसको रखना भी चाहिए। तो ऐसा जो भी होगा, जो भी डाटा होगा जिसे याद रखना है, वो मैं बोल दूंगा, इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो ठीक है फिर, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, अब मैं वन बाय वन करके अच्छे से एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और आपको करना क्या है, उसको जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको साइड में लिख लें क्वेश्चन पेपर को, और बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चन पेपर को पूरा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही 3-4 बार पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ठीक है फिर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। देखिए इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, पहले हम लोग ये सब चीज देख लेते हैं। ओके कंप्यूटर जी, क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे। इसको बड़ा कर दीजिए कंप्यूटर जी। चलिए कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए इसमें टोटल आपको 96 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 96। हाँ वो अलग बात है, आपको मेन एग्जाम में 96 का आंसर नहीं देना है। जैसे आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 70 कितना क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो इस 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इन 70 में से 70 को समझिए अच्छे से, क्योंकि ये जो आपका सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है, इनमें से यही पैटर्न है। प्री बोर्ड इसको क्यों बोलते हैं, बोर्ड से पहले जो एग्जाम लिए हैं उसको प्री बोर्ड, इसी तरह का आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज रहेंगे, है ना, जो आप इसमें पढ़े हैं वही आपको फाइनल एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए आप इन 70 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझें। उसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपको फाइनल एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे आपके 20 का 20 आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर आएगा 6, जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 6 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कम से कम ये 6 में से आपको एक दो तो मिलेगा ही आपका प्री फाइनल फाइनल एग्जाम में, ज्यादा भी मिल सकता है, तो क्यों ना ये 6 को हम अच्छे से समझ लें, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन है? 96 क्वेश्चन है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे, ये रहा, थैंक यू कंप्यूटर जी। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। अच्छा उत्तल लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। और आपको क्षमता मतलब पावर, क्या पावर। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला चीज मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में ये भी बताऊंगा कौन से चैप्टर से है, कौन से सब टॉपिक से है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कौन से चैप्टर से है? रे ऑप्टिक्स से है। रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स से है। और ये जो है ये आपको पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस,
आप सबको सर पढ़ाए भी होंगे पावर ऑफ लेंथ, वहां से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हमको बताइए पावर ऑफ लेंस क्या होगा। तो सबसे पहला चीज, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है आपको 1/f। क्या होता है 1/f, f को किसमें रखना है मीटर में। अच्छा अगर f सेंटीमीटर में हो या आप तो आप उसको पहले मीटर में चेंज कर लें, या नहीं तो 100/f डायरेक्ट कर दें, 100/f डायरेक्ट कर दें। f को किसमें रखना है तब सेंटीमीटर में। ये रहा पावर ऑफ किसका, ये पावर बताइए लेंस का, पावर लेंस का है ना। तो क्वेश्चन में लेंस ही है। अच्छा एक चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ इसका हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। तो वही चीज है। तो 100/100 फोकल लेंथ कितना है 20, नहीं साइन के साथ रखना प्लस 20 डायप्टर। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा बताइए +5 डायप्टर। आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ना होके कॉन्वेक्स मिरर होता, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर क्या हो जाता चेंज हो जाता। क्योंकि आप ये भी चीज ध्यान में रखें, हो सकता है आपके बोर्ड में लेंस की जगह सिर्फ मिरर कर दे। देखिए हर चीज को रटना नहीं है, पहले माइंड में ये मत बैठा लीजिए सारे क्वेश्चन को रट जाए, नहीं एक वर्ड चेंज कर देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ कुछ डाटा होता है जिसे हम लोग को रट लेना चाहिए, वो तो मैं बताऊंगा ही, इसे याद रख लें है ना। लेकिन अब देखिए अगर पावर ऑफ मिरर की बात करें, किसकी बात करें पावर ऑफ मिरर, ये होता है आपको -1/f। क्या होता है -1/f, f को किसमें रखना है मीटर में। और अगर पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस की बात करें, ये होता है सिंपल 1/f, f को किसमें रखना है मीटर में। क्लियर है आपको, अगर ये याद है तो सवाल बन जाएगा चाहे कुछ भी हो। और ये चीज याद रखिए कॉन्वेक्स जो होता है इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे मिरर हो या लेंस। कॉनकेव जो होता है इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है चाहे वो मिरर हो या लेंस। क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो मन में, तो मन में नहीं रखना है, आपको पूछना है ना। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खांसी हो गया थोड़ा, एक्सक्यूज मी। ओके कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे। ये रहा, थैंक यू कंप्यूटर जी। बोल रहा है द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम। क्या बोला है TIR कहां पे पॉसिबल नहीं है। देखिए TIR के लिए कुछ कंडीशन बताए थे, उनमें से जो पहला कंडीशन बताए थे वो यही बताए थे लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्या मतलब हुआ है डेंसर मीडियम का, किसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम, किसको बोलेंगे रेयरर मीडियम है ना। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ज्यादा हो वो होगा डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कम हो वो होगा आपको क्या रेयरर मीडियम। क्या होगा बताइए रेयरर मीडियम। तो आप चेक कर लीजिए। अच्छा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, या हम लोग सिंपल है इसको बोलते हैं 1.5। ठीक है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताइए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, या इसको हम लोग बोल देंगे 1.33। और आपको एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है आपको 1 है ना। चलिए तो लाइट कहां से ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करना चाहिए। देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, वाटर का क्या है 1, ये तो डेंसर से किसमें जा रहा है डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना।
सॉरी ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर कितना होता है, 1.33, और ये क्या होता है, इसका होता है 1.5। इज नॉट पॉसिबल बोल रहा है, तो ये तो पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर अर्थ में जा रहा है। और दूसरा देख लीजिए, वाटर का होता है आपको 1.33 और ये किसने है 1.5। अच्छा ये रेयर अर्थ से डेंसर जा रहा है, ये क्या है, रेयर अर्थ से डेंसर जा रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर इसका चेक कीजिए, वाटर का 1.33, एयर का 1, तो डेंसर से रेयर जा रहा है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट चेक कीजिए, ग्लास का कितना होता है 1.5, एयर का कितना होता है 1, ये भी डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अच्छा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी आपको रे ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स में आप टॉपिक खोल लीजिएगा, कौन सा, TIR, क्या TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो वहां से क्वेश्चन है, क्लियर है। दो का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे, ये रहा। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसमें अब क्या ही बताना है ना, ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, डिफिनेशन से पूछ लिया क्वेश्चन है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, वो प्रक्रिया होता है जिसमें लाइट जो होता है अपने 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। अच्छा, और जस्ट पैटर्न में हम उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम। और ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, क्लियर है। ये कहां से क्वेश्चन है, ये भी आपको रे ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। चलिए, डिस्पर्सन एक टॉपिक ही है रे ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट चार्ट नंबर में आ जाइए, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, है ना, देखिए ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का, है ना, स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा स्केटरिंग का क्या मतलब होता है, लाइट का बेंडिंग होना, क्या ना, लाइट का बेंडिंग होना, उसी को बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो इसकी वजह से स्काई क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। चलिए, अच्छा हालांकि स्केटरिंग जो होगा वो ज्यादा तो होना चाहिए वायलेट का, किसका होना चाहिए, वायलेट का, या उसके बाद इंडिगो का, तब ब्लू का। तो इस हिसाब से तो आपको स्काई वायलेट कलर का दिखना चाहिए, लेकिन वायलेट कलर का नहीं दिखिए, ब्लू कलर का दिखता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा आई जो होता है वो मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर होता है, तो इसलिए क्या होता है, स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आप याद रखें ना, स्काई का जो कलर होता है ब्लू कलर होता है वो क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आपको याद रखना है, इसलिए मैं लिख देता हूं क्या इसमें, MTR। चलिए, अच्छा MTR में कंफ्यूज कर जाइएगा कुछ बच्चे, तो सिंपल में आप ये इसको क्या कीजिए, याद रखिए। ये भी कहां से सवाल है, रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्या क्वांटम नेचर है ना, तो देखिए आपको ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में जो होता है, लाइट जो होता है वो लाइट का वेव नेचर को सपोर्ट करता है, किसको करता है, लाइट के वेव नेचर को। अच्छा क्वांटम नेचर का क्या मतलब हो गया, क्वांटम नेचर का मतलब हो गया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, जो हर्ज साहब इसको डिस्कवर किए थे है ना, तो ये जो होता है ये पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि जब आप पढ़ाए होंगे सर आप लोगों को, लाइट जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में आता है, वो जो एक पैकेट होता है उसी को बोलते हैं क्वांटा, क्या बोलते हैं, क्वांटा, सारे पैकेट्स को एक को बोलते हैं क्वांटम, है ना। तो ये क्वांटम नेचर ऑफ लाइट जो होता है ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शो होता है, किसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5 का,
डी। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी ये रहा। चलिए सिक्स नारायण बोल रहा है, इफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज, द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, है ना। देखिए होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर में देखिए अगर इनसाइड की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। होलो स्फीयर है, आपको मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म होगा, और जो चार्ज रहेगा वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, यूनिफॉर्म कौन सा ऑप्शन में? जीरो तो नहीं होगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो जीरो बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता है। अच्छा दोनों में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिखा रहा है या यूनिफॉर्म लिखा रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्या हो जाएगा आंसर? बी। अच्छा ये कहां से क्वेश्चन है? अच्छा पिछला क्वेश्चन बताए थे, ये जो है पांच नंबर क्वेश्चन जो है ये कौन से चैप्टर से है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से। कहां से बताइए? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पार्ट टू में पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद यही चैप्टर पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसमें हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। चलिए और ये चैप्टर ये क्वेश्चन कहां से बताइए? ये इलेक्ट्रो स्टेट से। कहां से? इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, मतलब पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसमें भी पोटेंशियल एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन ओपन सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। देखिए ये जो सवाल है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कहां से है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा इसमें भी पढ़ाते हैं किरचॉप्स लॉ, क्या पढ़ाते हैं बताइए? किरचॉप्स लॉ, किरचॉप्स लॉ, किरचॉप्स का भी फर्स्ट लॉ, किरचॉप्स फर्स्ट लॉ, किरचॉप्स का दो लॉ है ना। एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं जिसको, किरचॉप्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, दूसरे को हम लोग केवीएल बोलते हैं तो आपको एक्सक्यूज मी, तो किरचॉप्स फर्स्ट लॉ जो है ये बोलता है जंक्शन पे, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक जंक्शन करने में, मतलब मीटिंग मतलब क्या, जंक्शन पे टोटल करंट का जो सम होता है ना वो जीरो होता है। क्या होता है? वो जीरो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है, तो किसी जंक्शन पे जो होता है वो टोटल करंट जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। इसी को बोलते हैं किरचॉप्स करंट लॉ या केसीएल, के सीएल या किरचॉप्स फर्स्ट लॉ। तो ये और एक चीज ये भी याद रखिएगा, किरचॉप फर्स्ट लॉ जो होता है किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, इस प्रिंसिपल पे आधारित होता है। वही किरचॉप सेकेंड लॉ जो होता है जिसको हम लोग के वी एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? के वी एल। तो वो जो होता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर हम लोग एट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है, इफ टाइम टी इज द टाइम पीरियड, है ना, एंड वी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, देन। देखिए साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड जो होता है ना, टी मतलब टाइम पीरियड, ये होता है आपको टू पाई एम इंटू क्यू बी। देखिए ये जो होता है, सर एक चीज आप लिख लीजिए, टाइम पीरियड जो होता है ये आपको
इनडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। टाइम पीरियड क्या, 2πm, m क्या है मास, q क्या है चार्ज, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये क्वेश्चन कहां से है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड से यहां से क्वेश्चन है। तो ये जो होता है तो टाइम पीरियड तो डिपेंडिंग नहीं करता है ना, मैक्सिमम स्पीड पे डिपेंड करता है ना रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो रिलेशन होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता मतलब पावर जीरो, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। ऐसा क्या है, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन सही नहीं बनाया। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर जीरो अगर दिया जाए तो ये क्वेश्चन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा तो आंसर वन चले जाएगा है ना। ये ऑप्शन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे पावर जीरो देना चाहिए था किसी एक में है ना, या लिख देना चाहिए इंडिपेंडेंट इस तरह से। चलिए तो इसका आंसर तो कुछ नहीं है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन रहता तो सही होता, क्योंकि साइक्लोन का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ उस चार्ज पार्टिकल पे। क्लियर है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताइए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज। ये तो बिल्कुल फार्मूला ही पूछ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है ना, वही चीज है। और इंपॉर्टेंट है आपके और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है ना। तो वही चीज होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं टाउ को बताइए, रिलैक्सेशन टाइम है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहां से सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आप इसको याद रखें है ना। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये कैपिटल ई क्या है, वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यही बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, कई कई बार आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो आप इसको क्या करें, याद रखें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताइए, माइनस ई टाउ अपॉन एम। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 10 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमेटर इज, आइडियल अमेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा है ना। देखिए अच्छा अमेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमेटर बोलते हैं। तो आपको इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस कम से कम रेजिस्टेंस होगा तभी तो अच्छे से वो करंट को मेजर कर पाएगा। तो इसका आइडियल, आइडियल मतलब देखिए आइडियल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आइडियल एमिटर हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस। तो इसको भी आपको क्या करना, याद रखना है आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर ग्यारह बोला द एंगल बिटवीन। अच्छा ये क्वेश्चन कहां से है बताइए, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कौन से चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग क्लास में पढ़े होंगे सर से तो सर जरूर लिखाएंगे नोट वगैरह देखिए, रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमिटर का कितना होता है, जीरो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। देखिए इसको जो हम लोग बोलते हैं
मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या बोलते हैं, तबीयत सही नहीं आज, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म, तो वहां से क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिज्म वाले ही पार्ट में आता है ये, अर्थ मैग्नेटिज्म से। अर्थ मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या डिक्लाइनेशन बोल दिए, या फिर ये बोल दिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। अच्छा एंगल ऑफ डिप क्या होता है ना, ये जो होता है आपको एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ होरिजोन, इनके बीच जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। आप भी लिख लें, आप भी अपने क्वेश्चन में लिख लें, हो सकता है अगले बार एंगल ऑफ डिप का डिफिनेशन पूछ रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं, या सिंपल हम लोग डिक्लाइनेशन बोलते हैं। चलिए क्लियर है। आज ये क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ्ड बाई स्ट्रेचिंग इट देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, क्या होगा। देखिए सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, क्या होता है आर बराबर रो एल बाई ए। अच्छा इसको और ऐसा लिख सकते हैं, रो एल बाई ए क्या एरिया ही तो है, ये क्या है एरिया है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, या मतलब पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस, आर क्या है रेडियस। अच्छा अगर हम डायमीटर के टर्म में रेडियस को लिखें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, आप एक चीज जानते होंगे, डायमीटर बराबर होता है टू आर डबल ऑफ रेडियस जो होता है, टू टाइम रेडियस होता है इक्वल टू डायमीटर, है ना, तो हम चाह रहे हैं आर की जगह हम डायमीटर लिख दें, तो लिखना पड़ेगा आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, सिंपल। ये तो था पहले का, ये क्या था पहले का, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई, आर की जगह क्या लिख दें डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर तो ये तो डी अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा आप, क्या हो जाएगा बताइए, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर और ऊपर चले जाएगा कितना फोर, मतलब फोर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, फोर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये रहा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ्ड, डायमीटर को क्या कर दें हम लोग हाफ कर दें, तो डायमीटर को जब हाफ कर दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा बताइए, उसको हम लोग आर डैश मान लेते हैं, डायमीटर के क्रम में कुछ ये था तो रो एल अपॉन पाई डी बाई टू, और इसको और हाफ कर दिया डायमीटर को तो डी बाई फोर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, ये तो फोर का फिर स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा ऊपर चले जाएगा 16, 16 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अच्छा पहले कितना था फोर रो एल, तो क्या हम 16 को ये लिख सकते हैं 4 इंटू फोर रो एल अपॉन
जो नीचे बच गया पाई डी स्क्वायर। अच्छा यही तो पहले है। ओ कंप्यूटर जी ये क्या हो गया। हाँ देखिए ये जो है यही तो पहले है, पहले जो आर है डी के टर्म में वो यही तो है, फोर रो एल पाई डी स्क्वायर, और साइड में क्या आ गया आर आ गया, फोर आ गया सॉरी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं फोर आर, क्या लिख देंगे फोर आर, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। कहां से क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कहां से क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर ईच। अच्छा, पैरेलल पैरेलल इसकी बात कर रहा है ना, कंडेंसर की बात कर रहा है, तो इनमें क्या चीज सेम रहता है पैरेलल में, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्या रहता है बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा सी। 14 में आ जाइए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है मतलब बताइए, स्पेसिफिक चार्ज किसी भी चीज का, स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो ये होता है आपको चार्ज अपॉन मास, क्या होता है बोलिए चार्ज अपॉन मास। अच्छा इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बोलिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, है ना, और मास केजी में रखना है, मास क्या रखना है केजी में रखना है, तो मास केजी में कितना रखें बताए 1.67 × 10⁻³¹ kg। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा बताइए, ये आपको एग्जैक्ट आएगा 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी, है ना, ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा 1.76 को क्या हम लोग अप्रोक्स नहीं ले सकते 1.8 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन है आपको सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये आपको इलेक्ट्रो स्टेट से, मतलब कि पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वहां से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। क्लियर है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके कंप्यूटर जी अब क्वेश्चन नंबर 15 लेके आइए, बोल रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। देन देखिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। आप दोनों के बारे में पता हो सकता है, अगले बार आपको स्टेप डाउन का पूछ ले, तो आपको नंबर ऑफ टर्न जो होता है क्वाइलिंग जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, किसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है उस सेकेंडरी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो सेकेंडरी में ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी क्या है N2, है ना, N1 N2 क्या है N1 प्राइमरी N2 सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में ज्यादा है तो N2 इज ग्रेटर देन N1, वही स्टेप डाउन होता है तो ये हो जाता है इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इज ग्रेटर देन सेकेंडरी। ठीक है क्लियर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको सेकेंडरी कॉइल जो होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, और आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें प्राइमरी में जो होता है नंबर ऑफ कॉइलिंग जो होता है वो ज्यादा होता है, टर्न जो होता है कॉइलिंग का वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन कहाँ से, ये भी आपको मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा बी। चलिए आ जाइए अब 16 नंबर क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, है ना, फ्लक्स मतलब फाई, ये कहां से है मैं, ये आपको फ्लक्स से क्वेश्चन है, मतलब ये भी इलेक्ट्रो स्टेट से क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम से, है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब
कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस है तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछ रहा है हमसे, इन एयर इज, अच्छा एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब वन यूनिट, मतलब वन है ना, प्लस क्यू मतलब वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस वन है ना, ये रहा। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं बताइए, एप्सिलॉन नॉट का हम लोग ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, वन इंटू एप्सिलॉन नॉट पे पावर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है प्लस वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, इसी को और लिख ऐसा भी तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट माइनस वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या ही फर्क पड़ेगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कहाँ से सवाल है, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टेट, वहां से क्वेश्चन है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोला, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स इच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड रिकम्बाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप की बात करें तो आपको हो जाएगा सी नोट अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ जितना ड्रॉप है, कितना है 64, कितना है 64। अच्छा इनिशियल कितना दिया हुआ इच का पहले का 5, मतलब सी वन क्या हो जाएगा आपको 5, तो इसको सॉल्व कीजिए 5 इंटू किसका क्यूब रूट 64 होगा, चार का, चार चौक 16 चौके 64, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 माइक्रो फराड, क्योंकि एक का कितना है 5 माइक्रो फराड है ना, तो वही चीज आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कहां से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको कैपेसिटर चैप्टर से ना, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टेट के बाद हम लोग वही तो पढ़ते हैं कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड ईच आर अवेलेबल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटीज विच कैन बी ऑब्टेंड बाई देम आर, है ना, हम कुछ नहीं बोल रहा, तीन हमको कैपेसिटर दिया हुआ और तीनों का कैपेसिटेंस जो बराबर है लगभग, तीनों का कितना है 6 माइक्रोफराड है, तो हम इससे मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी का कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी का कैपेसिटेंस ऑब्टेंड कर सकते हैं, ये सवाल है। अच्छा अगर तीनों को हम लोग पैरेलली जोड़ दें, पैरेलल ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये कितना हो, सब क्या है 6 माइक्रोफराड प्लस 6 माइक्रोफराड प्लस 6 माइक्रोफराड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफराड। अच्छा अगर सबको हम लोग सीरीज में रख दें, है ना, सीरीज में मतलब 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी वन मतलब 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, एलसीएम हो जाएगा सबका 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर आया 1 बाई 2, तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, मैक्सिमम हम लोग 18 माइक्रोफेराड ऑप्टेन कर सकते हैं और मिनिमम हम लोग कितना ऑप्टेन कर सकते हैं 2 माइक्रोफेराड, तो ऐसा ऑप्शन कोई है क्या, अच्छा ऑप्शन सी है, आंसर क्या हो जाएगा सी। कहां से सवाल है, ये भी आपको सेकंड चैप्टर से सवाल है ना, कैपेसिटर से। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा रे मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। देखिए जो भी जिसको भी न्यूट्रल टाइप करेगा जिसमें चार्ज नहीं होगा तो वो कुछ ही फील्ड में ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अल्फा रे अल्फा पार्टिकल क्या है, ये भी आपको चार्ज पार्टिकल है, ये क्या आपको चार्ज पार्टिकल है, जैसे हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं अल्फा रेज बोलते हैं, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बीटा रे भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव रे मतलब पॉजिटिव चार्ज होगी, तो गामा रे जो होता है अनचार्ज पार्टिकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये आपको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, याद रखें चीज को। अच्छा क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी से, कहां से है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा एनसीईआरटी में जो है ये आपको न्यूक्लियाई चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बताइए, न्यूक्लियाई चैप्टर, न्यूक्लियाई चैप्टर के सब टॉपिक क्या रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए
ये जो सवाल है ये आप याद रखें, इसको क्या करें आप इसको लर्न कर लें, है ना, इसको आप याद रख लें, स्टार लगा दिया ना। तो पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल ये कितना होता है बताइए, किसी भी चोक कॉइल का जो पावर फैक्टर होता है ये आपको 0 होता है, कितना होता है बोलिए, 0, है ना, इसको ध्यान में रखना है, याद रखना, ये बताएंगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो है उसमें पढ़ाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर जी क्या हो गया आपको, अच्छा ये रहा। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, अच्छा है, बायोस, ये भी कहां से सवाल है, ये भी मैग्नेटिज्म वाला सवाल से है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वहां से, ये सवाल बायो सेवर्ट लॉ है ना, स्टार्टिंग में बताते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, बायो सेवर्ट लॉ का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मूला और बायो सेवर्ट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डीबी बराबर, ये क्या होता है बताइए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, है ना, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए, बिल्कुल फॉर्मूला है ना, जैसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखे उसी तरह बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला देख लिए, बायो सेवर्ट लॉ का ही फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, है ना। अच्छा ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है, किस फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में, है ना। चलिए अब बढ़ते हम लोग, ये कहां से सवाल है, ये भी आपको मैग्नेटिज्म से सवाल है, क्लियर है, अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निकेल इज, है ना, ये सवाल हमको लगता है 4-5 बार अब तक बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है ना, निकेल क्या है, निकेल क्या है आपको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस बताइए निकेल, फेरोमैग्नेटिक सब, इसको तो बस आप रट ही लीजिए, है ना, निकल क्या रटना ही पड़ता है, एग्जांपल निकल किसका एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, है ना। तो ये कहां से सवाल है, ये आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर से सवाल है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस चैप्टर से सवाल है, निकल क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 23, है ना, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस सरफेस ऑफ बायो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5 द फोकल लेंथ इज, है ना। देखिए ये जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला वहां से 1/f = ये होता है μ-1, क्या होता है μ-1 (1/r1 - 1/r2), क्लियर है। देखिए वन बाई एफ जो हो जाएगा, 1/f = μ, कितना दिया हुआ 1.5, तो 1.5 - 1 कर दीजिए इंटू 1/r1, 1/r1 क्या लिखे बोलिए, 1/r1 लिखेंगे, 1/20, 1/20 - और दूसरे क्या लिखेंगे फिर, -1/20, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, है ना, अच्छा 1.5 - 1 कितना बच गया, 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 इंटू 1/1 कितना हो जाएगा, ये 20 20 को कीजिएगा कितना हो जाएगा, 20 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको क्या बोलिए, 2/10, 2/20, 2/20, अच्छा ये पॉइंट हटा दें, डेसिमल हटाए यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपको 2 से कट जाएगा, 2 से आपको कितना बार में कटेगा बोलिए, 2 से आपको 10 बार में कट जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए क्या कहीं, वन बाई हंड्रेड,
चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सही है, 5/100, 10 × 10 100, तो हो जाएगा 1/5, 5 × 5, 5 × 10 0, ये हो जाएगा 1/20। ये क्या है मेरा? 1/f आया, 1/f आया 1/20, तो f कितना हो जाएगा बताइए? f हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी। कहाँ से सवाल है ये? ये भी ये क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बोल रहा है, लाइट रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इतना इनटू वाटर इन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना? क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है, ये जैसे स्नेल्स लॉ जो होता है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, है ना? इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ। तो μ1 sin क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये TIR में, जब आपको वो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 90 डिग्री पे हो जाए तब उस एंगल को बोलते हैं, वो जो इंसिडेंस एंगल होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। म्यू टू कितना है बोलिए? म्यू टू है आपको 4/3 दिया हुआ है, ये हमारा है, ये जो वैल्यू है ये μ1, ये जो वैल्यू है ये क्या, μ2। तो μ2 रख दीजिए 4/3 into sin R, क्या sin R कितना लिखेंगे? sin 90, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होता है 90। तो आप अच्छा μ1 का वैल्यू भी दिया हुआ 3/2, पुट कर दीजिए वहां पे 3/2 into sin क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 4/3 into sin 90 का क्या होता है बताइए? 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 4/3 into 2/3, ये कितना हो जाएगा? 8/9, है ना? तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? साइन इनवर्स 8/9। तो साइन इनवर्स 8/9 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अच्छा ये सवाल कहाँ से है? ये सवाल है आपको रे ऑप्टिक्स से। कौन से चैप्टर से है? रे ऑप्टिक्स से। टॉपिक कौन सा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 25। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए, 25 दे चुके हम लोग, टच में फुल कंसर्न। 24 है ना, 24 हो गया, अब हम लोग देखना है ये 24 था। 25 में बोल रहा है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज रीचिंग एट अ पॉइंट इज, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो फेज डिफरेंस जो होता है ना वो आपको 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 0। कहाँ से सवाल है? वेव ऑप्टिक्स से सवाल है। वेव ऑप्टिक्स में कहाँ से? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, फॉर सेम वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच विल बी द सेम। अच्छा वेव लेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा? देखिए आप नीचे बताइए, लेमडा बराबर होता है H/mv, लेमडा बराबर क्या होता है बोलिए? H/mv इलेक्ट्रॉन के केस में। अच्छा फोटोन के केस में बात करें, लेमडा बराबर हो जाएगा H/mc, क्या हो जाएगा? H/mc। और ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन के केस में, और ये हो गया हमारा फोटोन के केस में। तो है ना, तो आपको ये mv और mc क्या, यही तो मोमेंटम है, यही क्या है? मोमेंटम है। तो क्या चीज सेम रहेगा बताइए? मोमेंटम सेम रहेगा। सी कहां से सवाल है? ये भी सवाल क्वेश्चन है आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से।
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नाम से चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, वेव ऑप्टिक्स के बाद वहां से क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फॉर एनी एटम द एटॉमिक नंबर जेड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा एनर्जी बराबर क्या बताए थे याद है? एनर्जी बराबर होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड का और ई का रिलेशन देख लीजिए, तो ई जो है आपको एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। कहाँ से सवाल है? एटम चैप्टर से सवाल है। कहाँ से है? एटम से। एटम में भी कौन सा सब टॉपिक? एनर्जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा हम लोग जो डोपिंग करवाते हैं, डोपिंग प्रोसेस क्या था, हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करवाते हैं, तो कौन सा एलिमेंट का इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करवाएंगे, है ना। देखिए अगर पी टाइप है, दो तरह का एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है जैसे एक्सट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, एक होता है आपको एन टाइप। क्या होता है? एक होता है एन टाइप और एक क्या होता है बोलिए? एक होता है पी टाइप, ठीक है। अच्छा एन टाइप में जो डोपिंग कराते हैं वो कराते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट का, ग्रुप 15, और पी टाइप में कराते हैं ग्रुप 13। क्लियर है? चलिए तो वही चीज है, अब देख लीजिए क्या पूछा। पी टाइप, पी टाइप में ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है? क्या बोरोन? बोरोन जो है क्या एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर? बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बिल्कुल है ना। उसके बाद है आपको बिस्मत, है ना। बिस्मत क्या ग्रुप 13 का एलिमेंट है? नहीं। ग्रुप 13 में क्या देखिए, ये रहा ग्रुप 13 का, बोरोन अल्मोनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ये रहा ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 में बिस्मत तो ये तो नहीं हो पाएगा, बोरोन हो सकता है, अर्सेनिक क्या है, अर्सेनिक विद ग्रुप 15 का नहीं हो पाएगा, फास्फोरस ग्रुप 15 का है, तो ऑप्शन क्या बच गया? एक ही बच गया, यही सही। 28 कहां से सवाल है बताइए? सेमीकंडक्टर चैप्टर से, सेमीकंडक्टर से, है ना, याद रखिएगा। और एन टाइप का जो सेमी एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो हम लोग डोपिंग करवाते हैं वो ग्रुप 15 का एलिमेंट से डोपिंग करवाते हैं, और जब पी टाइप का एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो डोपिंग करवाते हैं वो ग्रुप 13 का करवाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन पी गिवन बिलो ई, है ना। कुछ नहीं बोल रहा है, कैपेसिटर दिया हुआ, जो उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। देखिए अच्छा रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, ये पैरेलल है ना, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में सीरीज में करते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब कुछ ऐसा बन जाएगा, अब जो ये रहा ए, अब इन दोनों के मिलके कितना बन गया 5 माइक्रोफराड, फिर आगे कितना है बताइए, आगे है आपको 4 माइक्रोफराड, ठीक है। अब ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो पैरेलल की तरह ऐड करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/5 + 1/4, दोनों का लीजिए एलसीएम 20, ये कितना हो जाएगा 4 + 5 = 9/20 माइक्रोफराड, लेकिन ये क्या आया 1/C इक्विवेलेंट है ना, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, 20/9 माइक्रोफराड, 20/9 माइक्रोफराड एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा चैप्टर है? तो कैपेसिटेंस। क्लियर है? चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, है ना। मॉडेम इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर। अच्छा मॉडेम जो डिवाइस होता है इसका आप लोग दोनों में यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन में भी और आपको डी मॉड्यूलेशन में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा,
डी है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, मॉडेम एक तरह का डिवाइस होता है, उसमें जो आपको बहुत वो जो यूज होता है वो मॉड्यूलेशन के लिए होता है और डी मॉड्यूलेशन के लिए होता है। क्वेश्चन 30 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगला इससे आगे जो है आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी मैं बताऊंगा, है ना, सब्जेक्टिव बाजाप्ता मैं लिख के बताऊंगा किस तरह से सब्जेक्टिव लिखा जाता है, ताकि आप लोग समझिए उसको आंसर कैसे लिखना है। आता है लेकिन आना अलग चीज है, उसको एक्सप्रेस करना अलग चीज है ना, वही चीज एक्सप्रेस करने आना चाहिए चीजों को। आप चीज समझे हुए लेकिन सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप कैसे सब्जेक्टिव आंसर लिखना चाहिए मैं वो बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।